हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। बच्चों, आज हम क्लास 12 के गोस एप्लीकेशन की जो हमारे पास एक्चुअली क्या है, गोस में पहले क्लास 12 में तीन एप्लीकेशन थी। अब एक एप्लीकेशन को हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ दो एप्लीकेशन बची हुई हैं। अब उन दो एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन की आज हम बात करेंगे, और वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट इनफाइनाइट वायर। ठीक है ना, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो बच्चों इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना, तो ये तो छड़ी सी बन गई, रोड सी, बिल्कुल पतली सी बनाएंगे हम। ये कोई वायर है और ये कैसी है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। इधर भी इनफाइनाइट कर दिया इसको और इधर भी इनफाइनाइट लॉन्ग कर दिया। तो बच्चों और ये भी बोला गया है, इस पर कैसा है चार्ज, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कैसा चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसका, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम मान लेते हैं, मान लीजिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मैं मान लेता हूं, मैं कहां फाइंड कर रहा हूं, इस पॉइंट पे फाइंड करता हूं। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट बी। तो बच्चों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे गॉस लॉ अप्लाई कब कर सकते हैं हम गॉस लॉ तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा चार्ज किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर, मतलब चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे यहाँ चार्ज है वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड। इट मींस जो ये वायर है ये किसी क्लोज सरफेस के अंदर होनी चाहिए। तो मैं वही काम करूंगा, सबसे पहले यहाँ क्या करूंगा, एक क्लोज सरफेस का निर्माण कर देता हूँ इसकी चारों तरफ। ये मान लीजिए मैं एक ठीक है ना बच्चों, मैंने क्या किया है, एक सिलेंडर का निर्माण कर दिया। ठीक है ना, एक सिलेंडर ड्रॉ किया है, इमेजिनरी सिलेंडर। ठीक है ना, अब और मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है सिलेंडर की, एल। रेडियस बच्चों मैं इसकी मान रहा हूं आर। अब हमारा जो पॉइंट है पी, इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अब हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यानी अब इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ क्या था, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, और बच्चों ये जो चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां देखो यहां एक चार्ज है क्या क्यू, दो चार्ज है क्या तीन है क्या चार है क्या, कितने चार्ज है, यहाँ नंबर ऑफ इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब ये सिचुएशन होती है कि वहाँ पर बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तब वहाँ उसको चार्ज ना लेकर के हम चार्ज डेंसिटी लेते हैं कि चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, और लाइन चार्ज डेंसिटी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, क्योंकि हमारी जो वायर है, वायर एक क्या होती है, लाइन होती है ना, है ना। तो यहाँ हम कौन सी चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे, यहाँ हम लाइन चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ चार्ज के स्थान पर मैं क्या ले लेता हूँ, चार्ज डेंसिटी जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, क्या गिवन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर विच हैव द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। तो चार्ज डेंसिटी कितनी है, यहाँ चार्ज डेंसिटी लैम्डा है चार्ज डेंसिटी। अभी मैं इसको इसका यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चों अभी सिर्फ उसे फॉर्मूले में क्यों इनक्लोज ही रखता हुआ चलूंगा, लास्ट में जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे।
लेकिन इससे पहले, इससे पहले बच्चों अगर हम ध्यान दें, अगर हम ध्यान दें, देखो ये क्या है, E डॉट ds, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस चार्ज के कारण पैदा होगा, ठीक है ना, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस चार्ज के कारण पैदा होगा। और ds क्या है, ये है सरफेस एरिया। अगर हम बच्चों यहाँ ध्यान दें तो यहाँ कितने सरफेस एरिया है, देखो एक तो ये है, ये वाला, ठीक है, दूसरा ये है, ये वाला, और तीसरा बच्चों ये जो हमारे पास सिलेंडर है इसके चारों तरफ ये कर्व सरफेस भी तो है, समझ रहे हो, एक ये सरफेस हो गया। तो यहाँ टोटल कितने सरफेस हुए, तीन सरफेस हुए। अब बच्चों इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पहले सरफेस एरिया मान लेते हैं। इसमें मान लीजिए यहाँ सरफेस एरिया क्या है, जो इसका कर्व सरफेस है ये वाला, वो सरफेस एरिया मान लिया मैंने, क्या आ जाएगा स्मॉल ds, ठीक है। एक सरफेस एरिया में स्मॉल यहां मान लेता हूं इसके लिए, ठीक है बच्चों, एक सरफेस एरिया में इसके लिए यहां मान लेता हूं, ठीक है ना, तीन सरफेस एरिया माने मैंने, इसका नाम रख देता हूं मैं वन, इसका नाम रख देता हूं मैं टू, और इसका नाम रख देता हूं मैं थ्री। तीन सरफेस एरिया हमारे पास हो गए, क्योंकि बच्चों यहां पर जो भी फ्लक्स निकलेगा वो इन तीनों सरफेस से ही तो होकर के जाएगा। और हमें क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है इट मींस हमें सारे सरफेस काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं, अब सबसे पहले यहां ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है, तो जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस ऐसे होगा ना, होगा और इस डायरेक्शन में ऐसे होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण नीचे और फिर ऊपर, अभी साफ कर देते हैं इसको, ये क्लियर हो गया। तो बच्चों अगर मैं पहले सरफेस की बात करूं, फर्स्ट सरफेस फॉर फर्स्ट सरफेस, ठीक है, अगर पहले सरफेस की बात करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E डॉट ds, या डॉट हटा देता हूं इस बार, cos थीटा इज इक्वल टू q enclosed अपॉन epsilon। यहाँ थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, और मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ एरिया क्या होता है, एक एरिया वेक्टर होता है और जिसकी डायरेक्शन हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं बच्चों यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा, इस पॉइंट पर पी पॉइंट इधर लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन हमारी किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। एरिया भी देखो, एरिया किस डायरेक्शन में होगा, एरिया भी इसी डायरेक्शन में होगा, एरिया की भी डायरेक्शन ये होगी, क्यों, किस तरह से देखो बच्चों, ये देखो यहां हमारे पास ये इस तरह से करके कोई बेलन है या सिलेंडर है, ठीक है, इस तरह से वायर बिल्कुल इसके बीच से जा रही है, एक तो मैंने इधर लिया है एरिया, एक इधर लिया है, एक ऊपर लिया है। अब बच्चों जो मैं एरिया यहां ले रहा हूं वो कौन सा है, वो ये वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, यहीं से ही तो ऊपर को जाएगी, इसका सरफेस एरिया भी यहां पे परपेंडिकुलर ही होगा, समझ रहे हो। तो यहां एंगल कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, जीरो, और जब एंगल जीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ई ds is equal to q enclosed upon epsilon naught, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये जो पॉइंट P है या यहां, ये कोई भी पॉइंट होगा, यहां 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 इस लाइन पे चाहे कहीं भी ले लो, और नीचे भी इस लाइन पे कहीं भी ले लो, क्योंकि रेडियस तो सेम है ना, इसके कारण हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, जो डिस्टेंस होती है वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट की
इस वायर से जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है आर, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, होता है ए इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पढ़ क्या है ना। तो इट मींस किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ आर पे, और यहाँ आर हर जगह सेम है, समझ रहे हो। अगर आर हर जगह सेम है इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह सेम होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह या कोई भी क्वांटिटी जो हर जगह सेम होती है उसको क्या मान लेते हैं, हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, और कॉन्स्टेंट वैल्यू को क्या कर लेते हैं, इंटी, ये बच्चों जो हमारा निशान होता है ना, ये इंटीग्रेशन का निशान होता है, ठीक है ना, और इसको बाहर ले लिया, ds is equal to q enclosed upon epsilon naught। अब बच्चों मैंने आपको बताया था जहां जहां भी हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जरूरत होती चली जाएगी, वहीं वहीं हम इसकी डिस्कशन करते हुए चले जाएंगे, इससे क्या होता है टाइम भी बच जाएगा और अच्छे से चीजें समझ भी आ जाएंगी। बच्चों जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये एक समेशन का ही दूसरा पार्ट होता है, जोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम जो छोटे छोटे एरिया है ना, इन सभी को जोड़ करके एक बड़ा एरिया का निर्माण करते हैं। ये जो टोटल इंटीग्रेशन का मतलब है, इस पूरे कर्व सरफेस का कितना एरिया होगा, और हमें किसका पता है, एक छोटे का, ये जो छोटे वाला है स्मॉल वाला, स्मॉल सरफेस एरिया ds है ना इसका, अगर मैं सारे ऐसे बहुत सारे कितने बनेंगे इसमें, बहुत कितने भी बन सकते हैं, और वही रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब ये पूरा सरफेस एरिया कितना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारे पास सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2πRL, जहां r उसकी रेडियस होती है और l होती है उसकी लेंथ, ठीक है। तो मैं टोटल अगर मैं मान लूं इसका टोटल सरफेस एरिया कितना s है, टोटल सरफेस एरिया कितना है s, तो क्या हो जाएगा ये es q enclosed upon epsilon naught। और मैं जानता हूं सरफेस कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRL, तो ये कितना हो जाएगा 2πRL, ठीक। अब यूज करेंगे बच्चों इसका क्यों इनक्लोज्ड का, हम जानते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी, बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमारा जो क्यों होता है वो होता है लैम्डा इंटू एल, अगर आपने नहीं पढ़ा तो बैक जाइए वीडियो देखिए और वहां आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी। क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, तो यहाँ क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्साइलन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πR एप्साइलन नॉट। देखो अभी ये जो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया बच्चों, ये भी सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस के कारण आया है यहाँ, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, कर्व सरफेस, और इसको डाल दिया इक्वेशन वन। अभी हमारे पास दो सरफेस और बचे हुए हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। आगे अब इनसे भी फाइंड करते हैं, ये जो इक्वेशन वन हमारे पास बनी है इसको यही रहने देते हैं, या इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, ये बना था हमारे पास, ठीक है ना। अब हम किसकी बात करेंगे, कर्व सरफेस सेकंड, इसके लिए लिखते हैं, अब बच्चों एक बात बताओ, जो हमारा थीटा है वो क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन सरफेस, ये सरफेस एरिया, यहां देखो ये है ये सरफेस एरिया, ये वाला, अगर ये सरफेस एरिया है तो इसका इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर होगी ना इसके, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो यहाँ जो डायरेक्शन होगी, ये तो ए कैप की डायरेक्शन हो गई हमारी, ए कैप मतलब एरिया की डायरेक्शन हो गई ए कैप,
इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कहाँ होगा? इधर, ये इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पैदा हो रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होगा, ऐसे, या नीचे की साइड में ऐसे। ये आप कहीं भी ले लो, जरूरी नहीं है यहाँ, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, सबके लिए सेम आएगा। और ये एरिया जरूरी नहीं है बेटा कि आपको ऊपर ही लेना है, इधर ले लो, इधर ले लो, नीचे ले लो, इधर, कहीं भी ले लो, सबके लिए सेम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इनके बीच में कितना एंगल बना? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा मतलब कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? जीरो। तो फोर्थ सेकंड सरफेस के लिए हमारे पास जो फ्लक्स होगा, ये मैं फाइव टू बोल दूंगा इसको, ये क्या हो जाएगा? जीरो। ये हमारे पास क्या आया था? ये हमें फाइव वन मिला था, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर मैं यहां देखूं बच्चों, तो यहां क्या होगा? इसका सरफेस एरिया इस भाग ये है, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन में ये हो गया एरिया की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो तो ये हो जाएगी, यहां एंगल कितना आएगा? फिर दोबारा 90 डिग्री। अगेन इसके लिए भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये क्या, कौन सा सरफेस? 5 3। या ऐसे लिख लो इसके, सिमिलरली फाइव थ्री भी जीरो आ गया, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ हमें जो फ्लक्स मिला है किससे मिला है? सरफेस फर्स्ट से, या कह सकते हैं जो इसका कर्व सरफेस है चारों तरफ से उससे मिला है। ये कौन सा सरफेस होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये वाला, और ये वाला, और ये कौन सा है? कर्व सरफेस है, ठीक है ना। और मैंने इसके नाम डाल दिए, इसीलिए नाम डालने से सीधा सीधा आसानी रह गई। इसके लिए सेकंड सरफेस, इसके लिए थर्ड सरफेस, और इसके लिए फर्स्ट सरफेस, इधर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पैसे भी लिख सकते हैं, बुक्स में लिखा होता है कि फोर क्रॉस सेक्शन एरिया और फोर कर्व एरिया, ठीक है ना। तो कैसे लिख दो बच्चों, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में चाहे आप इसे कैसे लिखो, बट फिगर आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। देखो यहाँ तो फिगर थोड़ी हमने भी रफली कर दी, रफ इसलिए कर दी क्योंकि समझाना पड़ रहा है, ठीक है ना। आपको ऐसे नहीं करनी है, बिल्कुल क्लीन क्लीन फिगर होनी चाहिए आपकी। और मैं बना भी देता हूँ, ठीक है, फिगर को अच्छे से बनाता हूँ मैं पहले, क्योंकि कुछ बच्चे मैं देखता हूँ कॉपी में फिगर बिल्कुल जैसी मैं बनाता हूँ ऐसे ही बना देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि सर को तो समझाना पड़ रहा है इसलिए बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। देखो ये है बिल्कुल क्लीन, ठीक है ना। इसको थोड़ा और लॉन्ग बनाओ, इस तरह से
सारी चीजें क्लियर दिखनी चाहिए, ये सरफेस भी, वो सरफेस भी, ये सरफेस भी, यहाँ दोनों की दोनों कैसी हैं, इनके बीच में डायरेक्शन जीरो, यहाँ 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का है, तो दो सरफेस के कारण तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ सिर्फ कर्व सरफेस का कारण बचेगा। तो बच्चों फाइनली जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया बचेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, वन ए है, टू ए, थ्री ए, तो वन के लिए आया था निकल करके लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर प्लस जीरो प्लस जीरो, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इन लास्ट लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर। बच्चों जो हमारा लास्ट फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो ये आया है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन और एक नंबर में अराइज हो सकता है, कौन सा, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में ग्राफ बताओ क्या होगा। अगर मैं ध्यान से देखें हम, अगर बच्चों आर की वैल्यू जीरो रख दूं मैं यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या जाएगी, इन्फिनिटी, मतलब कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे होगा, और जैसे जैसे आर की वैल्यू कम रखता चला जाऊंगा यहाँ कहीं मतलब ऊपर पॉइंट मिलेगा ही, और जैसे आर की वैल्यू ज़्यादा जीरो से बढ़ाता चला जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा, तो कहीं कुछ हमें इसका इस तरह से ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सेकेंड इसका क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि वॉट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं ध्यान से देखूँ हमेशा रेडियली आउटवर्ड हो रही है, जैसे मान लो इसकी रेडियस यहाँ है ना, ये इसकी रेडियस है, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर ये इस तरह से इसकी रेडियस है, ये है ना चारों तरफ इसकी रेडियस है। अगर मैं बच्चों इस पॉइंट पर देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को होगी, इस पॉइंट पर देखो इधर को होगी, इस पॉइंट पर देखो ऐसे होगी, इस पॉइंट पर ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रेडियस की रेडियस को फॉलो करते हुए बाहर की ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना, और उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड। ठीक, एक पॉइंट और आ जाता है, देखो क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है यहाँ, तो इलेक्ट्रिक इसको साफ कर देते हैं, अगर यहाँ डायरेक्शन लिखे ना बच्चों, देखो यहाँ वेक्टर लगाऊंगा और डायरेक्शन लिखूं तो क्या लिखूं दूंगा मैं यहाँ, आर कैप, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रेडियस की अकॉर्डिंग होगा बाहर की ओर, तो आर कैप, ये हमारा फाइनली रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। इस रिजल्ट के बाद हम क्या करते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ के बाद हम डायरेक्शन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉइंट लिख देते हैं उसके बारे में। और बच्चों थर्ड हमारे पास एक चीज और क्लियर हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, एक रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, शेप पे तो नहीं डिपेंड कर रहा है इसकी कि कैसी शेप होगी, नहीं डिपेंड कर रहा है ना, तो एक ये पॉइंट हो जाता है, एक पॉइंट यहीं से निकल के आ जाएगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, थर्ड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, ठीक है ना।
तो बच्चों यहां आकर के ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आज आप इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।